ब्रेड का ये स्नैक अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही करारा और क्रंची बनता है और इसका टेस्ट जो होता है वो भी एकदम डिफरेंट हो जाता है और इसको बनाने के लिए मैंने ब्रेड ली है और ब्रेड के साथ में पनीर लिया है पनीर लिया है और, लिया है और काट लिए हैं लंबे उसमें और आलूओं का मसाला बना लिया है जिसके अंदर की मैंने बेसिक मसाले डाले हैं आलू का एक चटपटा सा मसाला बना लें और पनीर प्याज़ वगैरह ले लें और ये मैं फिर बेसन का घोल बना लिया है बेसन का जो घोल है वो आपने गाढ़ा बनाना है तो इसका वीडियो शूट नहीं हुआ था तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐड करके वीडियो दोबारा मतलब दिखा रही हूँ आपको ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है इसके अंदर नमक मिर्ची डाल दें और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और साथ में इसमें न... थोड़ा सा धनिया वगैरह गरम मसाला डाल दें और लंबे जो कटे हुए प्याज हैं वो भी इसके अंदर आप ऐड कर दें और जो मसा ये जो बैटर है ये पतला नहीं होना चाहिए गाढ़ा बैटर चाहिए क्योंकि नहीं तो अगर आप पतला कर देंगे बैटर तो इसमें जो जो प्याज़ हैं वो ब्रेड के साथ चिपक के नहीं रहेंगे निकल जाएंगे तो आपको बैटर जो है वो गाढ़ा बनाना है और थिक बैटर बनाएँ और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और फिर वीडियो को फुल वॉच करें तो हमने फिर बैटर जो है एक थिक बैटर बना लिया है और उसके बाद में हमने पनीर को जो है वो ब्रेड के ऊपर सेट करना है मैंने पनीर को ऐसे पतला काट लिया है और पतला काट के उसको ब्रेड के ऊपर में सेटिंग कर देनी है मैंने जो है ऐसे ही लगा दिया है पनीर को ब्रेड के ऊपर आप चाहें तो नीचे थोड़ी सॉस वगैरह लगा लें और फिर उसके ऊपर से ये पनीर जो है इसको सेट कर दें और ऊपर से पनीर के ऊपर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला या मिर्ची का मसाला कुछ और डाल दें जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी इस तरह से बनता है पनीर जो है फीका फीका नहीं लगता है और ऊपर से फिर आपने दूसरी ब्रेड लगा देनी है आप चाहें तो जो ब्रेड की जो स्लाइस हैं इसके अंदर से हरी चटनी वगैरह या सॉस वगैरह कुछ लगा सकते हैं और फिर इसको बीच में से हमने इसके दो टुकड़े कर लें हैं दो टुकड़े आप अपने पसंद के हिसाब से कर लें आप जिस तरह से चाहें मैंने इसको तिकौन काट लिया है चाकू से और फिर उसके बाद में हमने बड़े ध्यान से जो है इसके जो है ये स्लाइसेस को जो हमने बना के रखा हुआ है बेसन और का जो बैटर बना के रखा है प्याज वगैरह डाल के उसके अंदर इसको अच्छी तरह से इसको लपेट लेना है और इस तरह से लपेटें जैसे मैं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर प्याज जो है वो चिप चिपक के रहने चाहिए साथ में और दोनों साइड से अच्छी तरह से सब हर साइड से जो है ये इसके ऊपर बैटर डाल दें और उसके बाद में हमने इनको फिर फ्राई करना है आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है तो दोनों साइड से इसको स्लो गैस पे हल्का हल्का फ्राई करें जिससे बहुत ही करारे बनते हैं और इस जो बेसन का जो बैटर है इसके अंदर आप चाहें तो दो, दो तीन चम्मच जो है आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं जिससे कि ये जो है और भी करारे बढ़िया हो जाते हैं और इस के बाद में हमने इनको निकाल लेना है एक ये मैंने जो है दो पीस तो मैंने पनीर के स्लाइस के बनाए हैं और फिर थोड़ा सा मैंने और आलू के बनाए हैं आलू का जो मसाला हमने बना के रखा हुआ है उसमें ब्रेड की स्लाइस के ऊपर मैंने इमली की चटनी लगा दी है और जिसकी जैसी पसंद होती है उसी हिसाब से फिर बनानी पड़ती है चीज़ तो किसी को पनीर वाले पसंद है और किसी को आलू वाले पसंद है मैंने जो है फिर थोड़े आलूओं का मसाला बना लिया है और फिर उसके अंदर जो है पहले चटनी लगा दी है ब्रेड पे इमली की और ऊपर से आप इसको कवर कर दें एक और ब्रेड से और फिर बाद में जो है उसी बैटर के अंदर इसको पहले काट लें इसको मैंने चार पीस किए हैं दो नहीं चार पीस कर दिए थे इसके और चार पीस करके फिर उनके टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और खाने भी आसानी रहती है और इसको जो है चार पीस करके फिर हमने इसको शैलो फ्राई कर लें या डीप फ्राई कर लें दोनों तरह से बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये जो प्याज बीच में लंबे लंबे आ जाते हैं इससे इनका स्वाद जो है एकदम अलग हो जाता है आप इस तरह से ये जो है ब्रेड के जो पकोड़े हैं ज़रूर बनाएं और मज़े करें थैंक यू